हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ विजय। ये हमारा थर्ड ट्यूटोरियल है मैजेंटो का, जिसमें हम लोग क्या करेंगे, अपना कंटेंट को कॉन्फ़िगर करेंगे। तो देखिए, कंटेंट हमारा अगर आप होम पेज देखें यहाँ पर, तो बहुत सारी चीज़ें जो हम नहीं चाहते हैं वो आ रहे हैं इसमें। जैसे कि लोगो है यहाँ पर, और यहाँ पर लिखा है डिफ़ॉल्ट वेलकम मैसेज। इन सब चीज़ों को हटाएंगे। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर जाएंगे, कंटेंट पर क्लिक कीजिए, फिर जाके कॉन्फ़िगरेशन पर क्लिक कीजिए। और इस कॉन्फ़िगरेशन में आप क्या कर सकते हैं, अपनी वेबसाइट में चेंजेस कर सकते हैं। जैसे कि फैब आइकन है, इसे चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर जो चलते हैं आपका लोगो है, इसे चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर डिफ़ॉल्ट वेलकम मैसेज, इसे चेंज कर सकते हैं। ये सब चीज़ें हम चेंज करेंगे। और अगर आप चाहें तो हेडर और फुटर भी चेंज कर सकते हैं। तो देखिए, वो आप बताएंगे कैसे करते हैं इसमें। सबसे पहले आपने कंटेंट पे गए, ऑन कॉन्फ़िगरेशन पे आपने क्लिक किया, तो इस तरह से आपको एक पेज खुल के मिलेगा, जहाँ पर लिखा है डिज़ाइन कॉन्फ़िगरेशन। यहाँ पर आप इस पर एडिट करेंगे, एडिट पर क्लिक करेंगे इस पर। और यहाँ पर आप देखिए, जैसे कि आप कहते हैं कोई इमेज में अगर वाटर मार्क्स लगाना है, तो वो भी आप लगा सकते हैं। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग सेटिंग्स हैं इसमें, बहुत डिफरेंट डिफरेंट की सेटिंग अवेलेबल है हमें, तो वो सब हम करेंगे। आप इसमें अप्लाई थीम भी कर सकते हैं। तो अभी थीम अप्लाई नहीं करेंगे हम, इसमें बाद में इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे, तो अभी से ऐसे छोड़ देते हैं। अब देखिए, आते हैं अदर सेटिंग्स में। तो सबसे पहले आता है HTML हेड, और यहाँ पर आप देखेंगे फाइव आइकन लिखा हुआ है। तो इसका मतलब यह है, जो आप यहाँ पर देखें, देखिए मैजेंटो का यहाँ पर आइकन बना हुआ है, तो इसे हम अपना आइकन अपनी वेबसाइट पे लेके आएंगे। जैसे यहाँ पर लिखा है होम पेज, और यहाँ पर ये लिखा है, देखिए मैजेंटो का आइकन बनाए, तो इससे अपना आइकन बनाएंगे। तो इस पर अपलोड पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पर एक कोई भी इमेज आप सेलेक्ट कर सकते हैं अपने, जो भी आपकी वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग। तो इसे हमने यहाँ पर ले लिया, और यहाँ पर अपलोड, यहाँ पर अपलोड हो जाएगी। और यहाँ पर आप अपना डिफ़ॉल्ट टाइटल भी दे सकते हैं कि क्या टाइटल आप रखना चाहते हैं। तो आप कुछ भी टाइटल रख सकते हैं, जैसे कि हम मैं लिख रहा हूँ CS Geeks Central, ये मैंने लिख लिया CS Geeks Central। अब इसके बाद में आप डिस्क्रिप्शन यहाँ पर अगर हम देखें, तो देखिए यहाँ पर लिखा है टाइटल प्रीफिक्स और सफिक्स। टाइटल प्रीफिक्स और सफिक्स का मतलब क्या है, देखिए अगर आप प्रीफिक्स लिखते हैं यहाँ पर, जैसे कि आप बताना चाहते हैं कि, जैसे कि यहाँ पर अगर आप देखें एग्जांपल में, यहाँ लिखा है होम पेज। अगर आप सफिक्स में यहाँ पर ऐसे पाइप सिंबल का यूज़ करते हुए यहाँ पर लिखेंगे CX गीक्स सेंट्रल, तो देखिए उससे क्या होगा, जैसे कि अगर अभी आपका होम पेज है, अगर आप किसी और लॉगिन पेज में जाएंगे, तो यहाँ पर एक पाइप सिंबल बन के आएगा, और फिर यहाँ पर लिखा आएगा CX गीक सेंट्रल इस तरीके से। और यहाँ प्रीफिक्स में करेंगे तो क्या होगा, आपका सबसे पहले आपका CS गीक सेंट्रल लिखा हुआ आएगा, और उसके बाद आपका होम पेज लिखा हुआ आएगा। तो देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर डिस्क्रिप्शन देना है, जो भी आप डिस्क्रिप्शन देना चाहते हैं वो आप दे सकते हैं। जैसे कि हम देते हैं यहाँ पर अपने CS गीक का डिस्क्रिप्शन दे देते हैं, सिंपल कोई भी डिस्क्रिप्शन आप अपनी वेबसाइट के हिसाब से इसे दे सकते हैं आप। तो यहाँ पर लिखते हैं, देखिए इस तरह से हमने लिखा, इसका डिस्क्रिप्शन दे दिया। और यहाँ पर आप कीवर्ड भी दे सकते हैं, जैसे कि आपका एक्चुअली आपकी जो वेबसाइट है वो है क्या। जैसे कि आप सिंपल अगर, जैसे आपकी कोई लैपटॉप, सपोज कीजिए लैपटॉप से रिलेटेड है, लैपटॉप सेल की है, तो यहाँ पर आप लैपटॉप कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। और जैसे कि आपका क्लोथिंग की है, तो आप अलग अलग क्लोथिंग कीवर्ड यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि आपका कॉफ़ीज़ का है, तो यहाँ पर आप कॉफ़ी भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो आप चाहें डिफ़ॉल्ट अपने कीवर्ड को आप यूज़ कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर लिखा है स्क्रिप्ट एंड स्टाइल शीट, इसमें आप क्या कर सकते हैं, अपने जैसे जावा स्क्रिप्ट जो होती है, स्टाइलिंग शीट जितनी भी होती हैं, उनको आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पर लिखा है, देखिए डिस्प्ले डेमो स्टोर नोटिस, ये अभी हमने नो किया है। ये हमने इसलिए नो किया है क्योंकि हम इसे अभी लोकली चला रहे हैं। जैसे कि आप जब अपनी वेबसाइट ऑनलाइन चलाएंगे, अगर आप अंडर कंस्ट्रक्शन है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर यस करना पड़ेगा। यस क्यों करना पड़ेगा, देखिए फ्रेंड्स, जब अपनी वेबसाइट आप क्रिएट कर रहे हैं, लेट अस सपोज कि आपने कुछ इमेजेस डाली, कुछ कहते हैं आपने प्राइसिंग सेट कर ली, अगर कोई आपकी वेबसाइट चेक करता है, तो उसे एक मैसेज आ जाएगा कि अभी ये वेबसाइट आपकी अंडर कंस्ट्रक्शन है, अभी आप इसमें कोई भी चीज़ ऑर्डर नहीं कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को सेव नहीं कर सकते हैं, कोई भी चीज़ को अपने कार्ट में सेव नहीं कर सकते हैं। तो उसके लिए हम यहाँ पर इसे यस करते हैं। अभी हम नो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि अभी कोई हमें ऑर्डर नहीं करने वाला, कोई हमें ऑर्डर नहीं देने वाला। अगर आप इसे ऑनलाइन यूज़ करते हैं,
तो यहाँ पर आप इसे यस कर लीजिएगा, कि अगर आपके अंदर कंस्ट्रक्शन होगी आपकी वेबसाइट तो यहाँ वहाँ आपको क्या करेगा, आपके यूज़र को एक मैसेज शो करवा देगा कि ये आपका अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब देखिए बात आती है हेडर पे। हेडर आपको पता ही होगा टेक्निकल टर्म में हेडर क्या होते हैं। तो देखिए हेडर में आप अलग अलग चीज़ें अपनी जैसे लोगो, इमेज होगी, इमेज की विड्थ और हाइट यहाँ पर दे सकते हैं। तो देखिए लोगो इमेज भी हम अपलोड कर लेते हैं, यहाँ पर से हमने इसे अपलोड कर दिया। और आप इसे लोगो की इमेज विड्थ और हाइट दे सकते हैं अपने अकॉर्डिंग जैसा आप चाहें। देखिए 108x350 लिखा हुआ है और 38 KB का है, तो यहाँ पर आप सेट कर सकते हैं इसे। और एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर लिखा है वेलकम टेक्स्ट डिफ़ॉल्ट वेलकम मैसेज, यहाँ पर लिखा था डिफ़ॉल्ट वेलकम मैसेज, ये यहाँ पर से चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर आप कर सकते हैं वेलकम टू CS गिग्स इस तरीके से। और देखिए यहाँ लिखा है लोगो इमेज ऑल्ट, इसका मतलब क्या है? देखिए कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी भी ब्राउज़र में लोग क्या करते हैं, इमेज को क्या कहते हैं लोड नहीं होने देते, स्टॉप कर देते हैं, सेटिंग में जाके उसे स्टॉप कर देते हैं कि इमेज लोड ना हो। तो उसकी जगह पे आपका क्या आएगा, एक मैसेज शो हो के आएगा जो यहाँ पर आप क्या कहते हैं प्रिंट करवा सकते हैं, कि अगर क्या कहते हैं फ़ोटो ना आए तो उसकी जगह पे एक मैसेज शो हो के आ जाए। अब देखिए इसी तरह से जिस तरह से हेडर में उसी तरह से फुटर में भी है। देखिए मिसलिनियस HTML जिस तरह से आपका यहाँ पर स्टाइलिंग स्क्रिप्ट होती है उसी तरह से मिसलिनियस आपका HTML होता है। और कॉपीराइट यहाँ पर आप चेंज कर सकते हैं, तो यहाँ पर इसे थोड़ा चेंज कर लेते हैं, आप इसे डिलीट भी कर सकते हैं टोटली, लेकिन हम थोड़ा चेंजेस कर लेते हैं, CSS कर लेते हैं इसे। और देखिए यहाँ लिखा है पेजिनेशन, पेजिनेशन का मतलब क्या है? देखिए अपने फ्रेंड्स अभी जब अपने कभी गूगल में सर्च मारा होगा तो गूगल में एक ही आप जो सर्च मारते हो उसके बहुत सारे पेजेस होते हैं, लेकिन लास्ट में जब आप एंडिंग में आते हैं तो वहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 ऐसी तरह से लिखा होता है, 1 पेज 2 पेज 3 4 5th पेज up to 10 पेज up to 100 पेज। तो वो आप यहाँ पर अगर 5 लिखेंगे तो अगर आपके 10 पेज होंगे तो नीचे जो नंबरिंग आएगी वो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से प्रिंट होकर आएगी। तो उसके लिए हम पेजिनेशन यूज़ कर सकते हैं, करते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ 5 तो आपके 5 आएंगे। उसके बाद देखिए फ्रेंड यहाँ पर लिखा है प्रोडक्ट इमेज वाटरमार्क, तो देखिए इसमें आप वाटरमार्कों को पता होगा, जिससे कि आप अगर यही वीडियो देख रहे होंगे तो यहाँ पर इस जगह पर आपको CSS का वाटरमार्क दिखा हुआ आ रहेगा, तो वाटरमार्क भी आप अपलोड कर सकते हैं। तो देखिए उसके लिए यहाँ पर आपको अपलोड करना है, और ओपिसिटी इसमें आप कितने परसेंट कर सकते हैं, 50% कर सकते हैं, 100% जितना भी आप चाहें उतना परसेंट कर सकते हैं। इमेज का साइज़ क्या होना चाहिए वो भी आप बता सकते हैं, जो आपका वाटरमार्क होगा उसका साइज़ क्या होना चाहिए, और पोजीशन क्या होगी, लेफ़्ट होगी, टॉप राइट, टॉप लेफ़्ट, बॉटम लेफ़्ट, बॉटम राइट, या सेंट्रल में होना चाहिए आपका उस तरह से। अब देखिए थंबनेल में भी आप वाटरमार्क लगा सकते हैं। और मैं आपसे देखिए जब भी आप ई कॉमर्स साइट बनाते हैं, कभी कोई भी आपने ई कॉमर्स साइट देखी होगी तो उसमें जितने भी इमेजेस होते हैं उसमें कभी वाटरमार्क नहीं लगा होता है, क्योंकि आप चाहते हैं कि जो आप इमेज दिखाएं वो क्लियर हो बिल्कुल इसमें, क्योंकि जब कोई आपका प्रोडक्ट खरीदता है तो आपकी इमेज से ही इम्प्रेस होता है, जिस तरह की इमेज है। अगर आप क्लोथिंग का कर रहे हैं तो जितना बढ़िया उसमें इमेज आएगा, कोई वाटरमार्क नहीं होगा उसमें, तो उतना बढ़िया उसे दिखेगा और उतना बढ़िया वो इम्प्रेस होगा और वो आपका प्रोडक्ट ले सकता है। तो इसलिए वाटरमार्क कम से कम यूज़ कीजिएगा, और जहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत हो वहीं पर ही वाटरमार्क का यूज़ कर सकते हैं आप। अब देखिए इस तरह से थंबनेल भी है, स्मॉल है, यहाँ पर ये सब आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा है स्क्वाच इमेज, अब इसमें थोड़ा आपको कन्फ्यूज़न हो रहा कि ये एक्चुअली होता क्या है। अभी आपने देखा होगा बहुत सारी जैसे फ्लिपकार्ट अमेज़ॉन में आप जाएंगे तो देखिए यहाँ पर आपकी इस तरह से साइड में कहीं पर भी कोई बड़ी सी इमेज होती है, उसके नीचे छोटी छोटी 3 इमेज होती हैं जो अलग अलग उसकी पोजीशन शो करती हैं। या फिर जब आप कोई कहते कपड़ा देखते हैं तो जैसे कि आपने टी शर्ट देखी तो टी शर्ट के अलग अलग कलरिंग, तो जो वो 3 छोटी छोटी इमेज होती हैं, 4-5 छोटी छोटी इमेज होती हैं, उन्हें हम स्क्वाच इमेज कहते हैं, उसमें भी आप ये लगा सकते हैं। अब देखिए ट्रांजेक्शन ईमेल्स के बारे में यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसमें क्या है, इसमें देखिए जब भी आप अगर यहाँ पर एक लोगो सेट करेंगे अपना अपनी वेबसाइट इसका लेकर, तो जब भी आप उसे मेल करेंगे या वो आपको मेल करेगा तो उसका लिंक मतलब उसका लोगो आपको इसमें शो होगा, उसको शो होगा आपको लोगो, तो उसे पता चलेगा कि अच्छा ये इस वेबसाइट का लोगो है, हमने इस पे क्या कहते हैं आपका मेल किया हुआ है। तो लोगो की इमेज यहाँ से आप डाउनलोड कर अपलोड कर सकते हैं, और वही लोगो इमेज ऑल्ट, या फिर जहाँ पर इमेज नहीं आ सकती वहाँ पर क्या मैसेज शो करवाना है, और इसकी विड्थ क्या है और इसकी हाइट क्या है, ये सब इसमें आप कर सकते हैं हेडर टेम्पलेट फुटर टेम्पलेट में।
और उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सेफ कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करना है। जब ये सब कर लें, सब चेंजेस करने के बाद आप सेफ कॉन्फ़िगरेशन में क्लिक करेंगे। उसका थोड़ा टाइम लेगा प्रोसेस होने में, थोड़ा लोड होने में थोड़ा हैवी है, इसे थोड़ा टाइम लेता है। और अगर आपको कोई भी डाउट हो फ्रेंड्स, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर लीजिए। और अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, फिर भी हमें कमेंट में बताइए कि आपको वीडियो हमारा कैसा लगा, या फिर आपको कोई सजेशन हो तो आप सजेशन भी हमें दे सकते हैं, मैं मैसेज पे सजेशन दे सकते हैं आप। तो देखिए ये आपको बता रहा है वन और मोर चेचे टाइप इनवैलिडेशन। तो चेचे मैनेजर पर यहाँ पर जाएंगे, इस पर क्लिक करेंगे आप, तो यहाँ पर से हमें क्या करना है, इसे अप्लाई करना पड़ेगा। तो वो आपका पेज खुलेगा थोड़ी देर में। तो देखिए यहाँ पर आप कॉन्फ़िगरेशन, इस पर आपका इनवैलिडेट लिखा हुआ रहा है, इस पर आप क्लिक कीजिए यहाँ पर, और सबमिट पे क्लिक कीजिए। देखिए फ्रेंड ये आपका हो गया है चेचे रिफ्रेश। उसके बाद आपको यहाँ पर करना है फ्लैश मैजेंटो चेचे, इस पर क्लिक कर सकते हैं, कैश भी कहते हैं इसे, क्लिक कर सकते हैं आप इसमें। उसके बाद अगर आप अपने वेब पेज को रिफ्रेश करेंगे तो आपको चेंजेस शो हो जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमारे चेंजेस अप्लाई हो गए, लोगो चेंज हो गया है हमारा। अगर आप यहाँ पर देखें तो फेब आइकन भी चेंज हो गया है। और यहाँ पर देखिए जो मैं आपसे कह रहा था सिविक्स और प्रीफिक्स के बारे में, तो देखिए पहले होम पेज आ रहा है, उसके बाद आपका सी एक्स गीक्स सेंट्रल आ रहा है। तो ये जब हमने सफिक्स में लिखा था तब आया, अगर हम प्रीफिक्स में लिखते तो क्या होता, सी एक्स गीक्स पहले आता, उसके बाद एक पाइप सिंबल आता, उसके बाद लिखा आता होम पेज। और यहाँ पर देखिए वेलकम टू सी एक्स गीक्स यहाँ पर आपका अप्लाई हो गया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। और आपको हमारी वीडियो पसंद आए हो तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।